हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की यह वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक खास किस्म की ट्रिक सिखाने जा रहा हूं जो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकती है। यहां पे देख सकते हैं ये डेटा ब्लैंक है, ये सेल ब्लैंक है और यहां पर अगर मैं कोई डेटा टाइप करता हूं, लाइक यहां पर मैं लिख देता हूं नेम, ठीक है। तो ये मैंने लिखा एन ए एम ई नेम, ठीक है, कुछ इस तरीके से एन ए एम ई, ठीक है, और एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखते हैं कि यहां पर बॉर्डर ऑटोमेटिकली बन जा रहा है, ठीक है। फिर मैं यहां पर टाइप करता हूं नेम, लाइक मैं यहां पे कोई नाम टाइप कर देता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहां पे अभी, ठीक है। तो एंटर प्रेस करेंगे तो देखेंगे यहां पर भी बॉर्डर अप्लाई होता जा रहा है, देख सकते हैं ये बॉर्डर अप्लाई हो गया है। अगर मैं यहां पर आता हूं, ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं सिंह, यानी इनका जो टाइटल है वो मैं यहां पर दे देता हूं और एंटर प्रेस करता हूं, तो आप देखेंगे यहां पर भी बॉर्डर अप्लाई हो गया, ठीक है। यहां पर लिखते हैं, यहां पर मैं लिखता हूं एस यू आर ए जे, तो ये लिख दिया और यहां पर कुछ इस तरीके से आ जाते हैं। तो यहां पर देखेंगे कि इसमें भी बॉर्डर अप्लाई हो गया। तो ये ट्रिक कैसे मैंने की, इसको मैंने कैसे किया, ये आपको बताने जा रहा हूं। यहां पर देखिए एक और एग्जाम्पल देकर के बताता हूं आपको। ये देखिए यहां पर आए, अभी यहां पर बॉर्डर आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये खाली है। अब यहां पर मैं लिखता हूं टाइटल, तो ये टाइटल डाल दिया हमने कुछ इस तरीके से। जैसे डालकर और एंटर प्रेस करेंगे तो देखेंगे यहां पर बॉर्डर अप्लाई हो गया। तो ये कैसे किया आइए आपको बताता हूं। एक दूसरी शीट पे चलते हैं और यहां आपको मैं वो चीजें करके बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले तो एक सेल में आप आ जाइए, जैसे मान लीजिए यहां पर हम है तो यहीं पर हम क्लिक कर देते हैं और आप आ जाइए सीधा कहां, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आने के बाद आपको आ जाना है न्यू रूल पर और न्यू रूल पे जैसे ही आएंगे तो यहां पर आना है आपको यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। तो बस इस पे आ जाइए और यहां पर फॉर्मूला लगा दीजिए नॉट का, एनओटी नॉट लगाया हमने और नॉट लगाने के बाद ब्रैकेट को करना है ओपन और यहां पर इज ब्लैंक लगाना है, इज ब्लैंक। इज ब्लैंक फॉर्मूला काम क्या करता है इसके बारे में एक डिटेल में वीडियो में हम बात करेंगे। इस ब्लैंक का मतलब होता है अगर सेल ब्लैंक है, ठीक है, और यहाँ पे नॉट का फॉर्मूला भी लगाया है हमने और यहाँ देखना है कि इस सेल का एड्रेस क्या है। तो A1 है तो यहाँ पे हम A1 टाइप कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से A1 टाइप करने के बाद इन दोनों ब्रैकेट्स को क्लोज करना है और फिर आना है फॉर्मेट पर और फॉर्मेट पे आने के बाद इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा आउटलाइन को, ठीक है। आउटलाइन को सेलेक्ट करने के बाद यहां से ओके कर दीजिए और यहां से भी ओके कर दीजिए, ठीक है। अब आप सीधा आ जाइए फॉर्मेट पेंटर पर और ये जो फॉर्मेट है इसको आप चलाते चले जाइए, जितने एरिया में आप चलाएंगे उतने एरिया में सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब यहां तक सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है, चलिए यहां पर कुछ हम नाम टाइप करके देखते हैं। लाइक यहां पर मैं लिखता हूं अपने इंस्टीट्यूट का नाम द शाइन इन, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से मैं लिख देता हूं द शाइन इन कंप्यूटर सेंटर, ठीक है। तो ये लिखा मैंने कंप्यूटर सेंटर, ठीक है, नाम काफी बड़ा हो गया है। एंटर प्रेस करते हैं, एंटर जैसे ही प्रेस किया तो आप देखेंगे कि यहां पर बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा विड्थ को बढ़ा देता हूं, ठीक है। तो ये देखिए ये एक बॉर्डर के अंदर आया हुआ है, देख सकते हैं यहां ब्लैक बॉर्डर आपको दिख रही होगी। यहां पर आते हैं, यहां पर कुछ लिखता हूं, लाइक एक नेम लिख देता हूं एस यू आर ए जे, ये लिख दिया नेम, ठीक है। तो ये एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर भी बॉर्डर अप्लाई हो गया। इन दोनों में यहां पर जो सेल्स हैं इनमें और इनमें आपको साफ साफ डिफरेंस दिखाई पड़ रहा होगा। यहां पर आते हैं, यहां पर कुछ टाइप करते हैं, लाइक यहां पर मैं लिख देता हूं APPLE एप्पल, ठीक है। एंटर प्रेस किया और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर भी बॉर्डर अप्लाई हो गया है। तो ये वो तरीका है जिससे आप ऑटोमेटिकली बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अगर डेटा रहेगा तो बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा, अगर नहीं रहेगा तो नहीं अप्लाई होगा। तो कैसी लगी ये ट्रिक कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।